हेलोडिय स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिवाइज कराने वाला हूं देखते हैं फटाफट से क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है तो अगर मान लीजिए जी आपके पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के पास एक एलिमेंट है जिसका जनरेटिंग सेट किसके बराबर हो जाए जी के बराबर हो जाए मतलब जी सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड हो जाए तो जी क्या हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और कोई एलिमेंट ए अगर है मान लीजिए तो उसका जनरेटिंग सेट कैसा रहेगा ए टू दावर एम सच दैट एम बिलोंग्स टू इंटीजर तो इस तरह से आप एक सेट बनाएंगे और ये सेट अगर जी इट सेल्फ के बराबर हो जाए तो जी क्या होगा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा ठीक है वही यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है कि अटार इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देर ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इक्वल टू जनरेटेड बाई ये ठीक है अब यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वही ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा है ना मतलब ए जितने ऑर्डर का एलिमेंट होता है वो उतने ही ऑर्डर के ग्रुप को जेनरेट करता है ठीक है तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा कि अगर मैं फाइनाइट में स्पेशली अगर बात कर रहा होऊंगा तो वहां क्या स्पेशल हो जाएगा कि एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप अगर मुझे जनरेट करना है या कोई ग्रुप जी है जो एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें एन ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करना मस्ट हो जाएगा ये फिर ये इफ एंड ऑनलिफ हो जाएगा कि अगर उसमें एन ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो साइक्लिक होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू है ना ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्वाटरनियन ग्रुप आर साइक्लिक बट ग्रुप इज नॉट साइक्लिक ठीक है तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसके सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे है ना लेकिन कुछ ऐसे नॉन अबिलियन ग्रुप भी हमें मिल सकते हैं जो कि खुद तो चलो नॉन अबेलियन है लेकिन उसके अलावे और जितने सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे साइक्लिक हो जाएं है ना एवरी ग्रुप इज बट कन्वर्स नॉट ट्रू तो ये बात बिल्कुल सही है आप एग्जाम्पल के तौर पर क्लीन फोर ग्रुप ले सकते हैं और साइकिल कैसे होता है बड़ी आसानी से आप महसूस कर सकते हैं आर एलिमेंट ए टू पावर आर टाइप का है फॉर सम आर है ना तो कोई ए टू दावर आर वन टाइप का है कोई दावर आर टू टाइप का है तो आप इसे लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू और फिर आर टू प्लस आर वन करके आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन है बट हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं है ठीक है तो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप चूंकि अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करने लग जाएगा है ना फिर है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड ईच एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी एक्ट एज जनरेटर ऑफ ग्रुप देखो बेसिक चीज यहां पे क्या है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ठीक है

आप ग्रुप का टाइप देख लेते हो वो साइक्लिक अबेलियन नॉन अबेलियन क्या है तो क्लियर है कि हम अभी साइक्लिक पे बात करने वाले हैं चाहे फाइनाइट साइक्लिक हो या फिर इनफाइनाइट साइक्लिक हो फिर हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर अगर आप इनफाइनाइट साइक्लिक में जाओगे तो अभी हम देखेंगे कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमेशा जेड प्लस के आयुसो होता है तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा मतलब अनकाउंटेबल ऑर्डर का ग्रुप तो कभी साइक्लिक हो ही नहीं सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर में जो भी ग्रुप साइक्लिक बनेंगे वो जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक रहेंगे अदरवाइज इन ऑर्डर का कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का तो वो जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा तो ये हो गया टाइप की बात ऑर्डर की बात है ना देन उसके बाद जो बातचीत होगी वो एलिमेंट के बारे में सब ग्रुप के बारे में फिर देखेंगे कि फर्दर क्लास इक्वेशन कैसा रहेगा उसमें नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होंगे ये चीजें और फिर लास्ट में होमोमॉर्फिज्म देखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म देखेंगे यही सब चीजें होंगी यहाँ पे तो अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन फाइनाइट में दो चार प्रॉपर्टी ज्यादा मिलेंगी आपको इनफाइनाइट में उतना नहीं है एनालिसिस तो अब साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें कुछ एलिमेंट तो होंगे जो उसे जनरेट कर रहे होंगे जिसे हम जनरेटर बोलते हैं तो फिर उसका काउंट क्या होगा तो एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो फिर नंबर ऑफ जनरेटर फाइव हो जाएंगे फिर कोई भी डी जो कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप मिलेगा आमतौर पे हर ग्रुप में हर डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप मिले ये भी गारंटी नहीं है बट यहाँ पे मिलता भी है और यूनिक मिलता है फिर G लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन इज इक्वल टू टाउन जब हम ये क्लेम कर रहे हैं हर डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप मिल, मिल रहा है और यूनिक मिल रहा है मतलब जितने डिवाइजर उतने सब ग्रुप तो टाउव के फॉर्मुला से हम लोग नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड कर लेंगे अब है कि अगर डी डिवाइड करता है ग्रुप ग्रुप uh, के ऑर्डर को तो फिर डी ऑर्डर के एलिमेंट गारंटी से मिलेंगे और एग्जैक्टली फाइव डी हमें मिलने वाले हैं यार कोई भी एन ऑर्डर का जो साइक्लिक ग्रुप है वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू तो एडिशन मॉडलो एन एज अ बाइनरी ऑपरेशन और फिर ये जनरली किसी भी ग्रुप के बारे में है कि जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है डी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को तो फिर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ग्रुप किसी एन ऑर्डर के में कितने होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी होल अपॉन फाइव डी इस तरह से किसी भी ग्रुप में आप डी ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप को काउंट कर सकते हो इन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में बात करें तो जेड प्लस क्या सामिक होगा ये मैंने आपको बताया ही जेनरेटर कितने होंगे एग्जैक्टली टू वन और माइनस वन है ना होगा मतलब जेनरेटेड बाई एम जब आप लिखोगे ना तो वो एमजेड टाइप का दिखने लग जाएगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जेड प्लस के पास काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब हैं इसके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप नहीं है ठीक है चलो अब देखो जी अगर अबेलियन ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर एन होगा तो क्लास इक्वेशन की बात जब आप करोगे तो वो क्या होगा वन प्लस वन एन टाइम देखो एक्चुअली होता क्या है कि ग्रुप अबेलियन होगा इफ एंड इफ ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे सेल्फ कॉन्जुगेट है ना या फिर ग्रुप अबेलियन होगा इफ एंड इफ ग्रुप के सारे एलिमेंट कहा चले जाएंगे सेंटर में मतलब सेंटर और ग्रुप आपस में बराबर हो जाएंगे और जो एलिमेंट सेंटर का होता है वो इफ एंड ऑनलिव सेल्फ कॉन्जुगेट है तो उसकी क्लास में एक्सैक्टली exactly वन ही एलिमेंट आएंगे देखो कॉन्जुगेट क्लास की बात आप इनफाइनाइट ग्रुप में भी कर सकते हो लेकिन क्लास इक्वेशन की बात रिस्ट्रिक्टेडली हम फाइनाइट ग्रुप में करते हैं ठीक है ग्रुप के ऑर्डर को उनके एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट क्लासेस की कार्डिनलिटी के समीशन के फॉर्मेट में लिखते हैं और ग्रुप अगर अबेलियन है हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट है हर एलिमेंट की क्लास में एक ही एलिमेंट आएंगे तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन लिखना ग्रुप का जो ऑर्डर है उतनी बार वन प्लस वन प्लस वन आपको लिख देना है और अभी हमने देखा कि हर साइकिल ग्रुप अबेलियन होता है तो कोई भी एन ऑर्डर का साइकिल ग्रुप है तो उसका क्लास इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो है ना और इनफाइनाइट वाले में तो क्लास इक्वेशन का मतलब ही नहीं है फिर है कि G, G, ये मैं किसी भी कह रहा हूं एनी ग्रुप के बारे में, में तो पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफ एंड ऑनलिफ रिजल्ट है कि कोई भी जी का सब ग्रुप जी में नॉर्मल होना चाहता है कब होगा जब एच को एच के ही एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट क्लासेस के यूनियन के फॉर्मेट में आप दिखा दें है ना तो एच क्या हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का अब इस रिजल्ट का यहां इस्तेमाल क्या करेंगे कि जी का आप कोई भी सब ग्रुप ले लो अगर जी अबेलियन ग्रुप है मैटर नहीं करता तो फिर क्या होगा अगर G का कोई सब ग्रुप एच है तो H के जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट तो सेल्फ कॉन्जुगेट है खुद की क्लास में अकेले ही आने वाले हैं तो जितने एलिमेंट हैं सबकी क्लास को एज एन एलिमेंट यूनियन यूनियन करके लिख दो बन गए नॉर्मल सब ग्रुप तो अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं तो वहीं से हो जाएगा कि साइक्लिक ग्रुप के भी सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं ठीक है थीके? चलो अब बात करते हैं हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म की एक्चुअली हम होमोमॉर्फिज्म की बात करते पहले लेकिन होमोमॉर्फिज्म में अलग अलग स्टेजेस हैं कि यहाँ से यहाँ होगा तो कितना होगा इससे पहले मैंने ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर ली कि जो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है वही ऑटोमॉर्फिज्म है और ये रिजल्ट आप भूल जाते हो आमतौर पर इसे मैं रिकॉल कराने के लिए लिख दिया यहाँ पर कि जेड जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करूं उसका जो ऑटोमॉर्फिजम ग्रुप होगा ऑटोमॉफिज्म ग्रुप मतलब जेड से जेड पे जितने वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिजम बनाए जा सकते हैं उनका कलेक्शन जो आप बनाओगे वो अपने आप में एक ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो ऑट ऑफ जेड कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑटोमार्फिजम डिफाइंड ऑन जेड जो ग्रुप बनाता है वो जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा यू के अब यू क्या होता है उसको या तो आप इस तरीके से समझ लो कि यू क्या है इसमें एलिमेंट आएंगे एम सच दैट एम लेस देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड जी सी डी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू वन एक्चुअली यू एन जो है ना ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है किसका रिंग का जड इन विद एडिशन मॉडल ओ एन मल्टीप्लीकेशन मॉडल ओ एन तो इस किसी भी रिंग में इवन आर मान लो कोई भी रिंग है आपके पास तो रिंग में जितने भी यूनिट्स होते हैं उनका कलेक्शन जो रिंग का सेकेंड ऑपरेशन होता है उसके साथ ग्रुप बनाता है ठीक है तो अब जेडन में भी जो यूनिट्स होंगे वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका एन के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉडल तो अपना जो है, इस के हो जाता है तो अब फिर वहां से देखना रहेगा कि यूएन कब कैसे बिहेव करता है तो n की वैल्यू अगर आप ले लेते हो ना तो फिर u2 जो है वो जेडवन की तरह करेगा एक ही एलिमेंट 1 है जिसका 2 के साथ जीसीडी वन होगा स्क्वायर करोगे तो वहां पे वन और थ्री दो एलिमेंट मिलेंगे और दो ऑर्डर के ग्रुप साइक्लिक होंगे टू के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे और फर्दर ग्रेटर देन फर्द के लिए आप जनरलाइज रिजल्ट यूज कर सकते हो कि यू ऑफ टू टू दावर एन किसके आइसोमॉर्फिक होता है जेट टू क्रॉस जेट टू टू दावर एन माइनस टू के तो इसे टू के किसी भी पावर के बारे में आप बात कर सकते हो कि यू ऑफ टू टू का दैट पावर किसके आइसोमॉर्फिक होगा और अगर पी टू दावर एन के बारे में बात करूं जहां प्राइम होगा तो P N क्या हो हो जाता है आइसोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक टू इसके हो जाएगा। साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप एड ऑन करोगे कि M N M N होगा, अगर एम और एन का जीसीडी क्या है आपस में वन है तो यहां से फिर क्या हो गया कि आप दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर के बारे में बात कर सकते हो क्योंकि एन इक्वल टू वन के लिए अगर आप बात करोगे तो यू ऑफ वन आई सोफिकेड वन होगा और फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एन को क्या लिख सकते हो पाई पी आई टू दावर एन आई आई इज इक्वल टू वन टू के मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है उसे कुछ k के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो और हर प्राइम के पावर का आपस में जीसीडी क्या हो जाएगा वन तो मतलब यू ऑफ एन की बात करेंगे ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा टू पावर एन के अब इंडिविजुअली इंडिविजुअली कौन किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये हमने बता ही दिया तो ओवरऑल किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यूएन किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये आप बता पा रहे होंगे और ऑब्वियसली यूएन का ऑर्डर हमेशा फाइ एन होगा क्योंकि वो सारे नेचुरल नंबर अप टू एन फ्रॉम वन टू एन जिनका काउंट फाइव होता है, है ना? अब में बात करोगे, तो आइडेंटिटी on और एक उसका नेगेटिव ठीक है अब आगे चलते हैं अब इन जनरल होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो जी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास और जी डेस कोई भी दुनिया का फाइनाइट ग्रुप है एम ऑर्डर का तो जी से जी पे कितने होमोमॉर्फिज्म काउंट होंगे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एम हो जाएंगे बेसिकली जो जनरेटर वन है ना उसको आप कोडोमेन में जो भी एलिमेंट कहीं मैप करा दो कोई दिक्कत नहीं आपका होमोमॉर्फिज्म बनेगा है ना तो एम होमोमॉर्फिज्म बेसिकली ऑर्डर ऑफ जीडास बोल सकते हैं ना अब ऑन टू होमोमोरफिज की बात की जाए तो अगर डोमेन साइक्लिक होता है तो उसका होमोमॉर्फिक इमेज हमेशा साइक्लिक साइक्लिक होता है। है तो अगर कोडोमेन सोचो साइक्लिक है ही नहीं तो फिर कोडोमेन रेंज नहीं बन पाएगा क्योंकि वो साइक्लिक नहीं है रेंज तो साइक्लिक होगा हमेशा सा, तो जीरो मान लो कि जी डैस साइक्लिक हो गया तो वन की मैपिंग हम जिस एक्स पे कराएंगे एक्स क्या होगा जेनेटर होगा है ना तो कोडोमेन तो मैंने फाइनाइट ग्रुप लिया है ना साथ में साइक्लिक होगा तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एम ऑर्डर का तो नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे फाइव एम जितने एम ऑर्डर के एलिमेंट होंगे तो वन को मैप करने के लिए फाइव एम चॉइसेज है मेरे पास तो फिर फाइव एम और वन वन होमऑर्फिजम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना इवन अपन वन वन फंक्शन तक नहीं डिफाइन कर सकते अगर डोमेन की कार्नेलिटी ग्रेटर है uh, कार्डलिटी ऑफ कोडोमेन से ठीक अब है काउंटिंग ऑफ होमोमोरफिजम फ्रॉम फाइनाइट ग्रुप टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो डोमेन अगर फाइनाइट है तो जो रेंज आएगा वो भी फाइनाइट आएगा जो कि कोडोमेन का सब ग्रुप होगा और कोडोमेन के पास फाइनाइट ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा सिंगलटन जीरो तो आप सिर्फ ट्रिवियल डिफाइन कर पाएंगे तो ओनली ट्रिवियल होमोमोरफिज्म फ्रॉम जी टू जी डेस ठीक है तो जब एक ही होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो रहा है तो अब वो वन वन कब होगा अब देखो डोमेन में अगर एक ही एलिमेंट है आपके पास तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा और आइडेंटिटी की मैपिंग आइडेंटिटी पे करा करके और आप वन वन होमोमॉर्फिज्म ले लोगे अदरवाइज वन को मैप करा वन जरूरी नहीं है साइक्लिक ही हो मतलब कोई भी ग्रुप अगर डोमेन में है तो उसे जहां आप मैप कराओगे वो एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए जो कि सिर्फ जीरो ही है तो फिर वहां से आप अन वन तभी ले पाओगे जब आपका जो डोमेन वाला ग्रुप है वो एक ही ऑर्डर का हो ठीक है तो ये कि एम इक्वल टू वन होगा तो जो आपने ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बनाया है यही वन वन हो जाएगा और अदरवाइज तो फिर ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जहाँ से कि आप मतलब ये कट करने का मतलब है इस सिचुएशन में मुझे वन ऑन होमोर्फिज्म मिलेगा ही नहीं फिर है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू होमोमॉर्फिजम फ्रॉम जी इन टू जी डज तो ये बात बिल्कुल सही है ना क्योंकि जब डोमेन की कार्डनेलिटी कोडोमेन से छोटी है तो कैसे ही आप ऑन टू फंक्शन तक नहीं बना पा रहे होंगे है ना तो ये याद रखना है आपको अब इसके बाद काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक टू इनफाइनाइट साइक्लिक तो जेड से जेड पे बात चल रही है तो वन की मैपिंग अभी तो किसी भी ग्रुप पे करा दो मतलब किसी भी एलिमेंट पे करा दो उधर आ, आ, जो भी जी डैस आपने लिया जैसे कि जेड प्लस यहाँ पर लिया हुआ तो कहीं पे भी करा दो क्या फ़र्क पड़ता है होमोमॉर्फिज्म तो बनने ही वाला है तो इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म बनाओगे अब इसमें ऑन टू कितने होंगे तो ऑन टू के लिए आपको वन की मैपिंग जनरेटर पे करानी होगी दो जनरेटर हैं आपके पास है ना तो दो ऑन टू होमोमोरफिज्म वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे तो जितने भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होंगे वो सारे के सारे आपके वन वन ही हो जाएंगे वन की मैपिंग आप जीरो पे ना कराओ किसी भी नॉन जीरो एम पे करवा दो तो फिर एमजेट टाइप का उधर आपको रेंज मिल जाएगा है ना और इधर होमोमॉर्फिज्म वन वन रहेगा कहीं कर्नल सिर्फ जीरो बनेगा तो ये आपको याद रखना है देन इसके बाद काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी फाइनाइट ग्रुप ठीक है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी फाइनाइट ग्रुप पे आप बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे तो सिग्मा के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी अल्फा के वेयर अल्फा के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन जी तो बेसिकली क्या है कि मान लो वन की मैपिंग आप एक्स पे करवाते हो तो ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ वन को जो कि एन है तो एक्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका ऑर्डर जो है वो एन को डिवाइड करे तो मान लो एन के डिवाइजर डी वन डी टू अपू डी के हैं तो डी वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं उसको अल्फा डी वन रिप्रेजेंट कर लेगा डी टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं उसको अल्फा डी टू रिप्रेजेंट कर लेगा और इस तरह से डी के ऑर्डर के कितने एलिमेंट है उसको अल्फा डी के रिप्रेजेंट करेगा फिर इन सारे को ऐड ऑन कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आप निकाल पाओगे ठीक है अब रही बात नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिजम की तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि साइक्लिक ग्रुप का होमोमोर्फिक इमेज साइक्लिक होता है तो कोडोमेन अगर साइक्लिक नहीं हुआ ना तब तो फिर आपको जीरो ऑन टू होमोमोर्फिज मिलने वाले हैं है ना और अगर जी डैश साइक्लिक होता है तो फिर क्या देखेंगे कि ऑन टू के लिए मुझे मैपिंग कहां करानी होगी जेनरेटर पे तो वन की मैपिंग जिस एक्स पे करा रहा हूं ये एक्स जेनरेटर बनेगा उधर मान लो वो एम ऑर्डर का है तो ये आइसोमॉर्फिक टू जेड एम रहेगा और एक्स का ऑर्डर वन के ऑर्डर को डिवाइड भी होना चाहिए तो एम एन को डिवाइड करे तो एम अगर एन को डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा फाइव जेनरेटर होंगे उधर तो फाइव अलग अलग ऑन टू होमोफिज हम बना पा रहे होंगे है ना अब नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है तो वन वन होमोमॉर्फिज्म हम कब बना पा रहे होंगे जबकि कोडोमेन के पास डोमेन के आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप होगा ठीक है तो नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या है अल्फा एन, जहां अल्फा एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, एन जी। तो अब डोमेन के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होने का क्या मतलब है डोमेन मेरा एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है है ना तो उधर भी एन ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होना चाहिए ना तो एन ऑर्डर के जितने डिफरेंट एलिमेंट होंगे हम जनरेटर पे मैप करवाएंगे ऑर्डर वाले पर उसे जनरेट होकर मुझे सब ग्रुप मिलता रहेगा तो जितने अलग अलग एन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे है ना उतने ही अलग अलग वन वन होमोमोर्फिज हम बना पा रहे होंगे तो ये आपको याद रखना है तो यहीं से साइक्लिक से साइक्लिक की भी बात आप कर लोगे ये तो मैंने इन जनरल बता दिया है ना कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप पे आप कर सकते हो तो अब जेडेन से जेड पे कोई आपसे पूछने लग जाए तो जेडेन से जेड पे होमोमोर्फिज्म कितने बनाते हैं हम

तो एन अगर एम को डिवाइड करता है वन वन होमॉरफिजम के लिए अगर देखोगे आप तो एन अगर एम को डिवाइड करेगा तो फिर कितने एलिमेंट मिल जाएंगे आपको फाइव एन एलिमेंट मिल जाएंगे वहां पे एन ऑर्डर के और वन वन होमॉर फिर फाइव एन हो जाएगा ऑन टू की बात करोगे तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए ऑन टू के लिए चाहिए कि आप मैपिंग जेनरेटर पे करवाओ है ना तो वन की मैपिंग एक्स पे करवाओगे तो एक्स उस समय एम ऑर्डर का होना चाहिए तो एन डिवाइड एम की जगह आपको क्या चाहिए होगा एम डिवाइड एन और अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर एम ऑर्डर के एलिमेंट होंगे तो तो आप 5M onto बना पा रहे होंगे ठीक है तो ये हो गया काउंटिंग ऑफ इसके दोस्तों अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम बचे हैं तो हर रोज नहीं तो ऑल्टरनेटिव डे पे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो यहाँ पे आई एफ एस ओनली रूपीज वन की प्राइस पे आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट दे रहा है आप लीजिए अवेल करिए जाकर के वेबसाइट पे ऐप पे जहां भी आपको अटेम्प्ट करना है करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नाइन वन सेवन डबल टू डबल सिक्स ट्रिपल एट जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जो कि आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए मेनली तैयारी करना चाह रहे हैं अभी वाला एग्जाम जस्ट ट्रायल के लिए दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए एक्सक्लूसिव बैच जो है ये स्टार्ट करी जा रही है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून से बहुत बढ़िया टाइम है ज्वाइन करने का आपके पास छः महीने का फुल फ्लिस टाइम रहेगा तैयारी करने के लिए अच्छे से तैयारी करिए और आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे रैंक से बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन